गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने गार्डनिंग में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूं दोस्तों, और अपने समर गार्डन को एंजॉय कर रही हूं। दोस्तों, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हम गार्डनर्स को तो कुछ ना कुछ उगाना ही पड़ता है और कुछ ना कुछ गार्डनिंग में करना ही पड़ता है, क्योंकि गार्डनिंग कभी ख़त्म नहीं होती। इतने काम इसमें होते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो आज मैं बहुत ही एक उपयोगी पौधे की बात करूंगी, जिसका नाम है मिंट या पुदीना। कैसे इसको कटिंग से ग्रो करते हैं हम घर में, वो दिखलाऊंगी, और इसके लिए कैसा सॉयल चाहिए, कैसा पॉट चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ इसमें बरतनी चाहिए, ये सब भी मैं बतलाती चलूँगी। और जो बिगिनर्स हैं उनको तो ऐसी जानकारी की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। और पूरी वीडियो देखने के बाद एक कमेंट तो ज़रूर बनता है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, पुदीने के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं लगाने के और क्या क्या यूज हम कर सकते हैं पुदीने की। आमतौर पर हम अपने घर में चटनी के रूप में ज़रूर यूज़ करते हैं और पेट के प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, लेकिन और भी कई सारे वैल्यू हैं इसके, बहुत सारे गुण हैं, और इसको लगाना मस्ट हैव है। सभी के घरों में ये पौधा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ज़रूर लगा लें इस गर्मी में। तो आइए वीडियो को शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारे घरों में पुदीना बहुत ही यूज़ होता है। इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है, और इसी के कारण कई सारे दवाओं में यूज होता है। इस मिंट की चाय भी बनाते हैं हम, और डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को इसके डिटॉक्स वाटर भी बनाते हैं, लेमोनेड भी बनाते हैं इसके। तो ये सब हम अपने घरों में ज़रूर यूज़ करते हैं, और पेट के रोगों के लिए या पेट में कुछ प्रॉब्लम है, गैस है, एसिडिटी है, तो इसके लिए भी हम बहुत ताइत से यूज़ करते हैं। मिंट के जो बीज हैं उनसे हम मेंथा ऑयल निकालते हैं, और इसका भी बहुत ही यूज होता है हमारे बॉडी के लिए कुछ मेडिसिन बनाने में। तो बहुत सारे यूज हैं हमारे इस पुदीने के, और इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसको लगाने के लिए हम अपने घर के पुदीने के पौधे से कई सारी कटिंग ले लेते हैं। इसकी कटिंग दोस्तों एकदम टिप की कटिंग ना लें, इसकी थोड़ी करीब करीब 5-6 इंच की कटिंग ज़रूर लें, और थोड़ी हार्ड कटिंग लें, क्योंकि टिप्स की कटिंग से ये अच्छे से नहीं लगता है। और ये इसकी कटिंग से 2-3 नोड के जो पत्ते हैं उसको रिमूव कर लें, और पत्ते को ज़बरदस्ती नोच नोच के रिमूव नहीं करें, उसको आराम से कट करें। तो ये नोड एरिया है, यहीं से जड़ें निकलती है दोस्तों, पत्तियां भी जहां से निकलती है वहीं से जड़ें निकलती हैं, इसलिए 2-3 नोड इसको लगाने के लिए ज़रूरी हो जाता है। और पुदीना जो है हॉरिजेंटल ग्रो करता है, वो फैलता है, इसलिए उसको ऐसे पॉट में लगाने जाने चाहिए जिसका चौड़ा मुँह हो। छोटे गमलों में गहरे वाले पॉट में नहीं लगाने चाहिए, इसके पॉट की गहराई 6 इंच भी होगी तो भी आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से हम सभी पत्तियां रिमूव कर लेंगे जो कटिंग ली है उनमें से, नीचे के 2-3 नोड के, और इतनी बड़ी ही ब्रांचेज लगाने के लिए यूज की जाती है। अगर आपके घर में पुदीना नहीं है तो बाज़ार से जो बंडल आता है पुदीने का, उससे पत्तियां रिमूव करके नीचे की कटिंग आप ले सकते हैं, और वो भी बहुत आराम से ग्रो हो जाता है। किसी में तो जड़ें भी होती हैं, किसी में नहीं होती हैं, लेकिन उसको भी आराम से आप लगा सकते हैं। ये तो हुई कटिंग लेने की बात, और अब मिट्टी के पॉट की बात तो मैंने की कि 6 इंच गहरा पॉट लें, और ब्रॉड हो जिसका मुंह, या तो ट्रे में लगाएं या फिर कुछ वैसा फ्लैट कोई पॉट है उसमें लगाएं जिसकी गहराई 6 इंच कम से कम हो,
तो ऐसे पॉट में आप जरूर लगाएं इसको। इसमें पुदीने पुदीने का ग्रोथ खूब अच्छा होगा, क्योंकि चौड़े मुंह में चारों तरफ वो फैलता रहेगा, क्योंकि राउंड राउंड हो जाता है इसके ब्रांचेज जब ये फैलता है, क्योंकि हॉरिजेंटल चलता है ये, वो वर्टिकल नहीं चलता। अब हम सॉइल की बात करें, सॉइल में हम 50% गार्डन सॉइल लेते हैं, 25% सैंड और 25% कोकोपीट। और मेरे पास जो मिट्टी है दोस्तों गार्डन सॉइल, उसमें ऑलरेडी काउ डंग कंपोस्ट मिला हुआ है, तो इसमें हम ऊपर से काउ डंग कंपोस्ट अभी नहीं मिलाएंगे, जब रिपोर्ट करेंगे तभी मिलाएंगे। और एक मुट्ठी नीम की खली, ये सब मिलाकर हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं। दोस्तों इसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, और ऐसा भी होना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होल्ड रहे, क्योंकि एकदम सूख जाने से इस पुदीना बिल्कुल ही सूख जाता है। और इसका पानी का ख्याल, हमें मॉइस्चर का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। मैंने इसकी कटिंग लेकर और एक ग्लास में रख दिया था पानी में डालकर। दोस्तों पुदीना पानी में अगर ग्रो करें तो बड़े आसानी से चल जाता है, लेकिन बहुत दिन तक इसको आप रख नहीं सकते हैं, कुछ दिन में ये ख़राब होने लगता है, इसलिए मिट्टी में ग्रो करना ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने पॉट भी तैयार किया, मिट्टी भी तैयार की, और अब आई है कटिंग लगाने की बारी। तो इसके तो नीचे के पत्ते मैं रिमूव कर रही हूँ, कुछ के मैंने रिमूव किए थे, कुछ के नहीं किए थे, तो अभी रिमूव कर रही हूँ। और इसको हम फ्लैट करके लगाएंगे, लिटा कर लगाएंगे, इसको वर्टिकल नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि नोड एरिया सब मिट्टी से टच होना चाहिए, और जितने ज़्यादा नोड एरिया मिट्टी से टच होंगे उतना ही इसमें स्प्राउटिंग होगी, नई नई ब्रांचेज निकलेंगी। तो ये ख्याल आप ज़रूर रखें, वर्टिकल भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा प्रोपगेशन इसका होता है उतना अच्छा वर्टिकल वाले का नहीं होता है, उसमें कई सारे कटिंग मरने की भी आशंका रहती है। तो इस तरह से मैंने पूरे कटिंग्स की पत्तियों को रिमूव कर दिया है, और ये देखिए इस तरह से लेटा कर मैं इसको लगाऊंगी, सारी कटिंग्स मैं लेटा कर ही लगाऊंगी। और ज़बरदस्ती इसको प्रेस ना करें दोस्तों, क्योंकि इसकी डंडी बहुत पतली होती है, तो टूटने का डर रहेगा या मुचक जाएगा, बीच से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम लिटा कर सभी कटिंग्स को लगाएंगे। दोस्तों पुदीना हम अपने घर में इन दिनों गर्मियों में चटनी के रूप में खूब यूज़ करते हैं, और अगर हम शरबत बनाते हैं तो नींबू के साथ पुदीने को भी डालते हैं, क्योंकि पुदीना हमारे पेट को बहुत ही आराम देता है, ठंडा रखता है। और बाजार में भी आपको अगर थोड़ी आप ध्यान देंगे तो जो पुदीन हरा का कैप्सूल मिलता है, जब पेट दर्द होता था हम लोग को बचपन से तब हम खाते थे, तो वो टैबलेट में ही पुदीने का अर्क डाला हुआ रहता था, क्योंकि जैसे ही वो फूटता था पुदीना पुदीना टेस्ट आता था। पुदीना माउथ फ्रेशनर के रूप में भी बहुत यूज़ किया जाता है, और आजकल तो हर्ब का ज़माना है, और इसको सुखा कर इसकी पत्तियों को रायते में या और भी किस बहुत सारे डिशेस में यूज़ किए जाते हैं, तो पुदीना बहुत ही लाभदायक है, आप इसको ज़रूर ग्रो करें अपने होम गार्डन में। तो इस तरह से हम लिटा कर सारी कटिंग को लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, देखिए मैंने कैसा पॉट लिया है, जो फ्लैटन है पूरा, ये एक तसला टाइप का है, जो कि इसको मैं हमेशा कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और इसमें मैं वैसा ही मिट्टी तैयार रखती हूँ जैसा कि पुदीने को चाहिए। तो पहले से ही मैंने मिट्टी इसमें मिला कर रखी हुई थी, और अब मैं इसमें ग्रो कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, पुदीना मेरे पास बहुत दिनों से है, 2-3 साल से, और ठंड में ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है और सारे पत्तियाँ निकाल देता है, लेकिन उस समय भी हम वाटरिंग करते रहते हैं, तो जैसे ही इसका मौसम फेवरेबल होता है, 10 डिग्री भी टेम्परेचर, 10 डिग्री से 25 डिग्री का टेम्परेचर में ये बहुत आसानी से चलता है, तो जैसे ही बसंत आता है वैसे ही इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, और फिर से पुदीना लहलहाने लगता है, और सालों साल चलने वाला ये पेरेनियल प्लांट है, इसको सीजनल नहीं कह सकते हैं आप। अगर एक बार लगा दीजिए और थोड़ी केयर कीजिए इसकी, तो अगले साल भी आप वैसे ही पाएंगे जैसे इस साल घना आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग लगा दी, और जब कटिंग ग्रो हो जाती है, पुदीना घना हो जाता है, तो इसको बीच बीच में आप पिंच करते रहिए और उसको तोड़ते रहिए,
हमेशा यूज़ करते रहिए। इस तरह से फिर से वाटरिंग हमने कर दी है दोस्तों, मॉइस्ट करके मैंने मिट्टी इसको लगाया ही था और ऊपर से मैंने पानी को स्प्रिंकल कर दिया। देखिए मेरी मेरा पॉट कैसा है। तो इस तरह से हो गई कटिंग लगाने की पूरी विधि। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों। ये जो मेरा पुदीना है ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है और हमेशा ही लगा ही हुआ रहता है। इसको मैं हमेशा ऐसे ही छोड़ देती हूँ जैसा कि ये है अभी, और लेकिन ठंड में इसकी पत्तियाँ गिरा देता है और कई सारे ब्रांचेस सूख जाते हैं तो कट कर देती हूँ मैं इसे। और जैसे ही बसंत आता है वैसे ही नई नई स्प्राउटिंग होती है इसमें। और ये देखिए फलों के पौधों के नीचे में मैंने इसको लगा के रखा है, तो ये इसको सेमी शेड मिलता रहता है। बहुत अधिक धूप इसको बर्दाश्त नहीं है दोस्तों, इसको सेमी शेड ही चाहिए, लेकिन धूप चाहिए इसको। गर्मियों में बहुत ही अच्छे से चलता है और हमारे यूज के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में ज़रूर पुदीना उगाइए और बहुत सारे यूज कीजिए इससे, अपने खाना बनाने में, अपनी चटनी में, अपने लेमोनेड में, अपनी चाय में। और मेडिसिनल वैल्यू होने के कारण ये पेट के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक कमेंट तो बनता ही है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।